नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक शानदार मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। मूवी की कहानी में एक माँ अपने बेटे को लड़कियों के साथ गपा गप करना सिखाती है, लेकिन फिर वह खुद उसके साथ गपा गप करने लग जाती है। मूवी के शुरू में हम एक फैमिली को देखते हैं, जिसमें एक लेडी होती है जिसका नाम बारबरा है। बारबर एक अमीर बिजनेसमैन ब्रुक की वाइफ है और उसका एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम टोनी है। ब्रुक टोनी को कुछ खास पसंद नहीं करता है, लेकिन बारबरा टोनी को बहुत पसंद करती है, लेकिन अपने काम की वजह से वो उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। फिर एक दिन वो दोनों टोनी को घर पर बेबी सीटर के साथ छोड़कर एक पार्टी में चले जाते हैं। बारबरा काफी सुंदर होती है, इसीलिए पार्टी में सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। इस बात से ब्रुक को काफी बुरा लगता है। डिनर के समय बारबरा साइमन नाम की एक लेडी से पूछती है कि क्या वो $10 मिलियन के लिए इंसानी मीट खा सकती है, तो इस पर साइमन मना कर देती है। इसके बाद बारबरा ब्रुक से पूछती है कि क्या वो $10 मिलियन के लिए साइमन के साथ सो सकता है, तो वो इसके लिए मना कर देता है। बारबरा फिर से उससे पूछती है कि गेट से निकलते ही उसे कोई लिफ्ट दे तो क्या वो उसके साथ चला जाएगा। अब ब्रुक बारबरा के ऐसे सवालों से गुस्सा हो गया था और वो कहता है कि हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। पार्टी खत्म होते ही बारबरा होटल से निकलती है और फिर वो एक अनजान आदमी के साथ उसकी कार में कहीं चली जाती है। और बारबरा की इस करतूतों से ब्रुक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और ब्रुक घर पहुंचता है तो देखता है कि बारबरा अभी तक घर नहीं आई है, और फिर बारबरा काफी देर बाद घर लौटती है। अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और अब टोनी बड़ा हो गया था। ब्रुक अब ज्यादातर समय बाहर ही रहता था और कभी कभी ही घर आया करता था। दूसरी ओर टोनी ज्यादातर टाइम बारबरा के साथ ही रहता था और उसे अपनी माँ के साथ रहना बहुत पसंद था। कुछ दिनों बाद ब्रुक घर पर कुछ फ्रेंच मेहमानों को लेकर आता है और लंच के बाद बारबरा इन सबको टोनी से मिलवाती है। फिर बारबरा टोनी को फोर्स करती है कि वो एक फ्रेंच बुक सबको पढ़कर सुनाए, लेकिन टोनी नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसे उतनी अच्छी फ्रेंच नहीं आती थी। बारबरा जब वापस जा रही होती है तब एक आदमी बारबरा की बॉडी की फ्रेंच में तारीफ करता है, लेकिन बारबरा को फ्रेंच आती थी और वो उस आदमी को काफी बुरा भला सुना देती है, जिससे गुस्सा होकर वो आदमी घर से जाने लगता है और ब्रुक भी उनके साथ घर से चला जाता है। बारबरा ब्रुक का पीछा उसके होटल तक करती है। बारबरा उसके कमरे में जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। पहले तो ब्रुक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर दोनों जम के गपा गप करते हैं। अगले दिन बारबरा ब्रुक को लेकर घर आ जाती है और वो देखती है कि टोनी के कमरे में कोई दूसरा लड़का सोया हुआ है और टोनी बाथरूम में नहा रहा है। ब्रुक को यह बात ठीक नहीं लगती है और वह टोनी को डांटता भी है, लेकिन बारबरा उसे कुछ भी नहीं कहती है। इसके बाद कुछ साल और बीत जाते हैं और टोनी अब जवान हो गया था। हम टोनी को उसके दोस्त जेक के साथ देखते हैं और वह दोनों यहाँ की लड़कियों को घूर रहे थे। ब्रुक और बारबरा भी यहाँ पर थे और ब्रुक टोनी को सलाह देता है कि इन लड़कियों पर ज्यादा भरोसा ना करें, इनकी नज़र हमेशा पैसे वाले लोगों पर ही होती है। अगले दिन टोनी को ब्लैंका नाम की लड़की नजर आती है और वह उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ब्लैंका म्यूजिक ऑन करती है और वो तीनों डांस करने लगते हैं। अब हमें यहाँ पता चलता है कि टोनी बीच का है और वो लड़कों और लड़कियों दोनों की तरफ अट्रैक्ट होता है। वह अपने पेरेंट्स को ब्लैंका के बारे में बताता है और यह बात जानकर बारबरा काफी खुश होती है। बारबरा ब्लैंका को भी अपने साथ लॉन ड्राइव पर इनवाइट करती है और फिर ये चारों एक बार में जाते हैं। फिर ब्रुक ब्लैंका को अपने अमीर ग्रैंडफादर की कहानियां सुनाता है और ब्लैंका भी ब्रुक की बातों को ध्यान से सुनती है। रात को यह लोग एक होटल में रुकते हैं और टोनी और ब्लैंका एक ही कमरे में सोते हैं और गपा गप करते हैं, लेकिन टोनी इस चीज को ज्यादा इंजॉय नहीं करता है। कुछ दिन बाद हम बारबरा को एक एयरपोर्ट पर देखते हैं और वो वहाँ पर एक फ्लाइट की इंक्वायरी कर रही थी और उसे अचानक से ब्रुक और टोनी की गर्लफ्रेंड ब्लैंका दिखाई देते हैं। असल में ब्लैंका और ब्रुक के बीच अफेयर शुरू हो गया था और ब्लैंका बाप और बेटे दोनों के साथ गपा गप करती थी। बारबरा को इस अफेयर के बारे में पहले से ही शक था, लेकिन आज उसका शक यकीन में बदल जाता है। फिर बारबरा ब्रुक के सामने जाती है और वो उसे और ब्लैंका को बुरा भला कहने लगती है और फिर लास्ट में ब्रुक ब्लैंका के साथ भाग जाता है। बारबरा रोते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकलती है और एक अनजान टैक्सी ड्राइवर के साथ उसके घर जाकर उसके साथ संभोग करती है। और फिर गपा गप करने के बाद बारबरा अपने घर आ जाती है और वो देखती है
कि उसका बेटा टोनी अपने दोस्त जेक के साथ गपा गप कर रहा है। फिर बारबरा उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे बताती है कि उसके फादर ब्लैंका के साथ भाग गए हैं। फिर बारबरा अपना मन बहलाने के लिए सेम नाम के लड़के को घर पर बुलाती है, जो बारबरा से बातें कर उसका मन बहलाता है। टोनी बारबरा को बताता है कि वो उसके पिता से नफरत नहीं करता है और वह उसके फादर को वापस बुलाने के लिए एक लेटर लिख रहा है, लेकिन बारबरा ब्रुक को अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी। सेम टोनी से बात करता है और उसे पता चलता है कि टोनी भी उसी की तरह गे है। इसके बाद सेम टोनी और बारबरा दोनों के साथ गपा गप करने लगता है। बारबरा को जब ये बात पता चलती है तो वह सेम को डांटती है और उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर सेम कहता है कि टोनी अब बड़ा हो चुका है और वह अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकता है। अब अगले दिन हम टोनी को देखते हैं, जो अपने दोस्त जैक के पास जाकर उसके साथ गपा गप कर रहा होता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि धीरे धीरे टोनी की मेंटल कंडीशन बिगड़ रही है। फिर टोनी अपने फादर को लेटर देने के लिए उनके घर चला जाता है। वह अपने फादर के घर के बाहर जाकर लेटर को छुपाने की कोशिश करता है तो ब्रुक उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन वह कुछ रिएक्ट नहीं करता। ब्लैंका भी देखती है कि टोनी उस लेटर को मिट्टी में दबाने की कोशिश कर रहा है। यह देख ब्लैंका टोनी से मिलने नीचे आती है, लेकिन उसे देख टोनी वहां से भाग जाता है और ब्लैंका वापस आकर टोनी के लेटर को पढ़ती है। उस लेटर में टोनी ने ब्रुक को लिखा था कि उसे और उसकी मॉम को उसकी जरूरत है। इधर बारबरा पेंटिंग बना रही होती है और ऐसा करते हुए वह रोने लगती है। सेम उसके पास आकर उसे संभालता है और फिर वह दोनों गपा गप करना शुरू कर देते हैं। टोनी जब घर वापस आता है तो बारबरा और सेम को बेड पर सोते हुए देखता है। फिर टोनी भी अपने कपड़े उतार कर उनके साथ सो जाता है। अगले दिन बारबरा टोनी को अपने बेड पर सोए हुए देख पागलों की तरह हंसने लगती है। फिर सेम टोनी और बारबरा दोनों को किस करता है। फिर बाद में सेम को यहाँ से जाना पड़ता है। फिर सेम दोनों को गुड बाय बोल कर यहाँ से निकल जाता है। अब अकेले हो जाने के बाद बारबरा पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और वह सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, लेकिन टोनी बारबरा को सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा देता है और इसी कारण उसकी जान बच जाती है। फिर टोनी से ब्रुक की दोस्त साइमन आकर मिलती है। टोनी उससे पूछता है कि वह ब्रुक से मिली है, जिस पर साइमन उसे समझाती है कि तुम्हें ब्रुक को भूल जाना चाहिए। वह आदमी किसी से प्यार नहीं करता है और सभी उसकी नजरों में घिरे हुए हैं। अब फिर कुछ दिनों के बाद बारबरा ठीक हो जाती है और फिर वो टोनी के साथ डिनर करने जाती है। एक दिन जब बारबरा बाथरूम में नहा रही होती है, तब वो टोनी को आइसक्रीम लेकर बाथरूम में बुलाती है। फिर वह आइसक्रीम खाती हुई टोनी से कहती है कि वह इथेल नाम के आदमी के साथ डेट पर जाने वाली है, लेकिन ये सुनकर टोनी को अच्छा नहीं लगता है। और फिर इसके बाद बारबरा टोनी को उसके टांकों पर दवाई लगाने को बोलती है और दवाई लगाने के बाद बारबरा टोनी को बाहर भेज देती है। कुछ दिनों के बाद यह दोनों किसी के फिनरल अटेंड करने जाते हैं, जहां इन्हें ब्रुक भी दिखाई देता है, जो अभी तक ब्लैंका के साथ था। वह दोनों टोनी और बारबरा से कोई बात नहीं करते, जिससे टोनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब काफी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और बारबरा टोनी के साथ लंदन में शिफ्ट हो जाती है और वहां जाकर टोनी पूरी तरह से बदल जाता है और वहां पर वो एक गे को दोस्त भी बनाता है। यह बात बारबरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फिर बारबरा टोनी को लड़कियों में इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसे सेड्यूज करने लगती है और वह उसके साथ गपा गप करती है, लेकिन टोनी इन सबको जरा भी एंजॉय नहीं लेता है। अब धीरे धीरे टोनी की मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। फिर एक दिन टोनी और बारबरा के बीच कुछ बात को लेकर बहस होने लगती है और टोनी बारबरा के पेट में चाकू मार देता है, जिससे बारबरा की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद टोनी पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को कॉल करता है। फिर वह नूडल्स बनाकर बारबरा की लाश के सामने ही खाने लगता है। पुलिस वहां आकर टोनी को इस हालत में देखकर समझ जाती है कि टोनी ने पागल होकर ही अपनी मां को मार दिया है। इसके बाद टोनी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले सीन में हम ब्रुक को देखते हैं, जो बारबरा के फ्यूनरल के लिए लोगों को इनवाइट कर रहा था और उनके लिए लेटर लिख रहा था। एंड में हमें बताया जाता है कि टोनी को उसके क्राइम के लिए 8 सालों की सजा सुनाई गई और फिर 1 साल बाद ही उसने जेल के अंदर सुसाइड कर लिया और इसी प्रकार से इस मूवी का एंड हो जाता है।